हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यूनिक स्टडी आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं साइंस क्लास फाइव का एक और चैप्टर आवर नर्वस सिस्टम फुल्ली एक्सप्लेन इन हिंदी तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल यूनिक स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए जिससे हमारी अगली वीडियो या फिर कहे की अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और बेलाइकन दबाना ना भूलें सो लेट स्टार्ट नर्वस सिस्टम द नर्वस सिस्टम इज द मेन कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ आवर बॉडी नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी का मेन कंट्रोलिंग यूनिट होता है वो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है द थ्री मेन पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम आर तो नर्वस सिस्टम के तीन मेन पार्ट होते हैं क्या क्या होते हैं द ब्रेन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व तो ये जो तीन है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स ये नर्वस सिस्टम के तीन मेन पार्ट्स हैं ब्रेन अब इन सब पार्ट्स के बारे में ब्रीफली समझते हैं सो फर्स्ट इज ब्रेन The brain is a very important organ. It is a very delicate and is enclosed inside the skull. The gap between the skull and the brain is filled with a jelly-like fluid which the further cushions the brain and protects it from jerks and shocks. In an adult human being the brain weighs approximately 1.4 kg. जो ब्रेन है वो हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है वो बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही सॉफ्ट होता है और हमारे स्कल से वो प्रोटेक्टेड रहता है स्कल और ब्रेन के जो बीच में डिस्टेंस होता है ना वो जेली से भरा होता है जिसे फ्लूड बोलते हैं, जेली लाइक फ्लूड जो कि ब्रेन को क्वेश्चन करता है अच्छे से रखता है और उसे जर्क और शॉक से प्रोटेक्ट करता है एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन होता है उसका वजन अप्रोक्सीमेटली 1.4 पॉइंट होता है पार्ट्स ऑफ द ब्रेन अब ब्रेन के पार्ट्स क्या होते हैं द ब्रेन इज अप ऑफ थ्री मेन पार्ट्स तो ब्रेन तीन मेन पार्ट से बने हुए हैं सेरेब्रम सेरेबेलम और मेड्यूला तो ये तीन पार्ट ब्रेन के हैं जिससे ब्रेन बना हुआ है अब इन तीनों के बारे में डिटेलिंग में पढ़ेंगे सो फर्स्ट इज सेरेब्रम इट इज द लार्जेस्ट एंड द हाईली डेवलप पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड अपर्स द फ्रंट एंड द बैक पार्ट ऑफ द हेड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग लर्निंग इंटेलिजेंस एंड लॉजिक तो सेरेब्रम जो होता है वो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट और हाईली डेवलप पार्ट होता है जो की ब्रेन के सबसे अपर पार्ट में लोकेटेड होता है जो आपके जो बैक पार्ट है हेड का उसे कवर करता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है थिंकिंग लर्निंग इंटेलिजेंस और लॉजिक तो जो हम लोग याद करते हैं सोचते हैं हमारा जो इंटेलिजेंस है जो लॉजिक लगाते हैं सब ये सब काम ब्रेन का सेरेब्रम पार्ट करता है सेकेंड है सेरेबेलम इट लाइज बिलो द सेरेब्रम इट मेंटेन्स द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ आवर बॉडी इट रेगुलेट्स अवर मस्कुलर मूवमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन तो सेरेबेलम सेरेब्रम के जस्ट नीचे लाइक करता है ये हमारे बॉडी को बैलेंस करता है और उसे पोस्चर देता है हमारे मस्कुलर मूवमेंट और उसके कोऑर्डिनेशन का रेगुलेट सेरेबलम करता है थर्ड है मेड्यूला इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन स्टेम इट लाइज बीनीथ द सेरेबेलम द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द मेड्यूला मेड्यूला कंट्रोल द एक्टिविटीज सच इज हार्ट बीट ब्रीदिंग स्नीजिंग एंड स्वालोइंग मेड्यूला जो होता है उसे हम लोग एक और नाम देते हैं वो है ब्रेन स्टेम जो कि सेरेबलम के नीचे होता है उसके विनीत होता है ब्रेन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है किससे? से मेड्यूला की मदद से तो मेड्यूला की मदद से ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है मेड्यूला कंट्रोल करता है हमारा हार्ट बीट ब्रीदिंग स्नीजिंग स्वेलोम तो ये सब एक्टिविटी मेड्यूला कंट्रोल करता है तो ये था तीन सेरेब्रम सेरेबलम और मेड्यूला जो कि ब्रेन का पार्ट है उसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन द ब्रेन नीड्स कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड टू फंक्शन वेल द राइट हाफ ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड द लेफ्ट हाफ ऑफ दी ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी तो ये बहुत ही मेन पॉइंट है हमारे ब्रेन को हमेशा ऑक्सीजन और ब्लड का कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए होता है तो जो ब्रेन का राइट right कॉर्नर है राइट हाफ ब्रेन है वो आपके बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और जो ब्रेन का लेफ्ट हाफ है वो आपकी बॉडी का राइट right साइड को कंट्रोल करता है नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ अ ब्रेन ब्रेन का फंक्शंस कैसे होता है द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी इट स्टोर इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी एंड हेल्प टू रिकॉल द इन्फॉर्मेशन इट रिसीव एंड सेंड सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी जो हमारा ब्रेन है वो हमारे बॉडी का मेन कंट्रोल सेंटर है इसी से हमारा पूरा बॉडी कंट्रोल रहता है ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है वो मेमोरी के फॉर्म में स्टोर होता है और हमेशा हेल्प करता है कि हम लोग उन सब इंफॉर्मेशन को रिकॉल करते रहे ब्रेन हमेशा सिग्नल को रिसीव और सेंड करता है वो बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स से सिग्नल रिसीव करता है और कुछ कुछ सिग्नल उनको भेजता भी है नेक्स्ट टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड द स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट एक्सटेंड्स

वो स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करता है और उसे जर्क और इंजुरी से बचाता है तो स्पाइनल कोर्ड का मेन फंक्शन क्या हुआ स्पाइनल कोर्ड का मेन फंक्शन ये है कि वो ब्रेन से सारा इंफॉर्मेशन पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करता है तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन सम एक्शन आर कैरीड आउट बाई अवर बॉडी एज अ सडन एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू एन इवेंट एक्शनल नॉट इन्वॉल्व फॉर एक्साम्पल इफ यू एक्सीडेंटली पुट योर हैंड ओवर अ कैंडल यू सडनली मूव योर हैंड अवे तो रिफ्लेक्स एक्शन मेनली वो एक्शन होते हैं जो हमारे बॉडी वो सडन और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देता है जैसे की मान लीजिए आप गलती से अपना हाथ एक जले हुए कैंडल के ऊपर रख देते तो आप तुरंत अपना हाथ हटा लेते वो आपको पता नहीं है कि आप हाथ हटाने वाले हैं लेकिन वो सडन रिएक्शन होता है उस इवेंट के उस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आता है आपकी बॉडी के तरफ से कि हाँ हाथ हटा लो तो इसी एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं ये एक्शन बहुत ही फास्ट होते हैं जो मैसेज है रिसीव होता है कि हाथ हटाना है वो बहुत जल्दी स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक पहुंचता है लेकिन इससे ब्रेन कुछ काम नहीं करता ब्रेन को पहले से पता नहीं होता की हाथ हटाना है द मैसेज और इवेंट विच जनरेट रिफ्लेक्स एक्शन आर कॉल्ड स्टेमी द एक्शन टेकन बाय द बॉडी टू अटिमुलस वॉटरिंग ऑफ माउथ एट द साइट ऑफ

रिजनरेट करते हैं उसे स्टिमुली कहते हैं और जो एक्शन हमारा बॉडी उस स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्स करता है कि जल्दी से हाथ हटा लो हाथ जल जाएगा उसे रिस्पॉन्स कहते हैं जैसे कि मान लीजिए किचन से आपको बहुत ही डिलीशियस फूड का स्मेल आता है तो आपका माउथ अपने आप वाटरिंग करना शुरू करता है तो यहाँ पे जो फूड है वो स्टिमुलस का, का काम कर रहा है वो रिफ्लेक्स का एक्शन का काम कर रहा है और जो सलाइवा जो सलाइवा हमारे मुंह में बन रहा है वो रिस्पॉन्स का नेक्स्ट टॉपिक है नर्व्स। नर्व्स आर न्यूमरस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइड आवर बॉडी नर्व्स कनेक्ट दी ब्रेन टू ऑल पार्ट्स ऑफ दी बॉडी एंड वाइस वर्सा तो नर्व्स जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं नर्व्स पूरे बॉडी पार्ट्स को ब्रेन से कनेक्ट रखता है टाइप्स ऑफ नर्वस अब नर्व कितने तरीके के होते हैं नर्व्स आर ऑफ थ्री मेन टाइप्स सेंसरी नर्वस मोटर नर्व्स, मिक्स नर्व्स नर्व्स के तीन टाइप्स होते हैं पहला सेंसरी नर्व्स दूसरा मोटर नर्व्स और तीसरा मिक्स नर्व तो इन सब नर्व्स के बारे में अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फर्स्ट है सेंसरी नर्व्स दीज नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द वेरियस ऑर्गेन्स टू द ब्रेन और टू द स्पाइनल कॉर्ड ये जो सेंसरी नर्व्स होते हैं वो मैसेज को कैरी करते हैं बॉडी के ऑर्गेन से ब्रेन तक वो ऑर्गेन से सारा मैसेज कलेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचाते हैं या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं सेकेंड है मोटर नर्व्स। दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तो मोटर नर्व्स जो होते है वो सेंसरी नर्व्स के जस्ट उल्टा काम करते वो मैसेजेस ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से लेके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाते हैं थर्ड है मिक्सड नर्व्स। दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन और द स्पाइनल कार्ड टू डिफरेंट ऑर्गेन्स एज वेल एज द डिफरेंट ऑर्गेन्स टू द ब्रेन और टू द स्पाइनल कार्ड ये जो मिक्स नर्व्स होते हैं वो मैसेजेस जो हैं कैरी करते ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्गेन्स की तरफ पहुंचाते हैं और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ वापस भी लेके आते हैं तो मिक्स नर्व दो काम करते हैं वो ब्रेन से मैसेज लेके ऑर्गेन तक पहुंचाते हैं और ऑर्गेन से मैसेज लेके ब्रेन तक वापस पहुंचाते हैं अगला टॉपिक है सेंस ऑर्गेन्स द ऑर्गेंस विच हेल्प्स अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस आर कॉल्ड सेंस ऑर्गेंस फाइव सेंस ऑर्गेन्स आर द आईज द इयर्स द नोज द टंग एंड द स्किन जो ऑर्गेन्स हमें दुनिया को देखने समझने में हेल्पफुल होते हैं वो सेंस ऑर्गेंस कहलाते हैं तो सेंस ऑर्गेन्स पांच तरह के होते हैं पहले आइज सेकेंड ईयर्स नोज टंग और स्किन तो फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं इन टोटल इनकी मदद से हम अपने वर्ल्ड को अच्छी तरह से देख और समझ पाते हैं पहला सेंस ऑर्गेन है दी आईज द ह्यूमन आई इज अ वेरी स्मॉल 2.5 अबाउट टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इन the eyes प्रोटेक्ट dust and फ्रॉम डस्ट एंड इंजुरी इंटरनली आई कंसिस्ट ऑफ parts. जो ह्यूमन आई होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के सबसे छोटे organ होते हैं, जो कि जिसका डायमीटर टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर होता है जो आईलेट्स हमारे आंखों के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो हमारे आईज को प्रोटेक्ट करते हैं डस्ट और इंजुरी से तो आई के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इंटरनली क्या क्या होते हैं फर्स्ट प्यूपल द इनर एपर्चर दैट वी कैन सी इन द सेंटर ऑफ द आई इज नोन एज प्यूपल इट इज अ स्मॉल होल थ्रू विच द लाइट एंटर जो प्यूपिल होता है हमारे आंखों के सेंटर में प्रेजेंट होता है जो स्मॉल होल जिसके अंदर लाइट एंटर करता है उसे हम लोग प्यूपिल कहते हैं तो ये एक इनर एपर्चर है जो हमारे आई के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है सेकेंड है आयरिस इट इज द कलर्ड पार्ट ऑफ दी आई इट कंट्रोल द ओपनिंग ऑफ द प्यूपिल आयरिस जो होता है वो आई का कलर्ड पार्ट होता है क्योंकि बहुत सारे ह्यूमन बींग में कलर्ड पार्ट होते हैं आई के जैसे ब्राउन ब्लू ब्लैक तो यही होते हैं आयरिस आयरिस कंट्रोल करता है की प्यूपिल कब खुलेगा और कब बंद होगा थर्ड है कॉर्निया इट इज अ थिन ट्रांसपेरेंट टिश्यू दैट कवर्स दंट ऑफ दी आई कॉर्निया जो होता है वो एक थिन एक पतला ट्रांसपेरेंट टिश्यू होता है जो हमारे आई के फ्रंट को कवर करता है नेक्स्ट रेटिना दिस लाइज बिहाइंड द आईबॉल द इमेज इज फॉर्म ऑन द रेटिना तो रेटिना आई का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये आईबॉल के जस्ट पीछे लाई करता है उसका वही प्लेस है लोकेशन का जो इमेज हम लोग देखते हैं वो रेटिना में ही फॉर्म करता है इसीलिए आई का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसी के वजह से हम लोग दुनिया को देख सकते हैं जो इमेज है बाहर का वो हमारे रेटिना में ही फॉर्म करता है फिर नेक्स्ट आता है लेंस द लेंस हेल्प्स इन फोकसिंग द लाइट दैट पासिस थ्रू द प्यूपल इन टू द आई इट हेल्प्स इन फोकसिंग द इमेज ऑन द रेटिना जो लेंस है वो लाइट पे फोकस करने का जो कि हमारे प्यूपिल से पास करता है उस पर फोकस करने के लिए हेल्पफुल होता है ये हमारे जो आंखों को इमेज पर अच्छी तरह से फोकस करने का मदद करता है जो कि रेटिना में फॉर्म करता है नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व इट कैरीज इम्पल्स फ्रॉम द आईज टू द ब्रेन जो चीज हम अपने आंखों से देखते हैं वो हमारे ब्रेन तक भी पहुंचता है कि ये क्या है तो वो ऑप्टिव नर्व काम करता है जो हमारे आंखों देखा चीज है वो ब्रेन तक पहुंचाने का काम ऑप्टिक नर्व करता है केयर ऑफ द आईज अब हम लोग आईज का देखभाल कैसे कर सकते हैं वॉश योर आईज रेगुलरली विथ क्लीन एंड कोल्ड वाटर अपने आंखों को हमेशा साफ और ठंडे पानी से धोते रहना चाहिए डो नॉट स्टडी और वर्क इन डिम लाइट और वेरी ब्राइट लाइट सबसे कम लाइट और सबसे ज्यादा ब्राइट लाइट में हमें ना तो स्टडी करना चाहिए और ना ही वर्क करना चाहिए डो नॉट रीड इन अ मूविंग व्हीकल किसी भी व्हीकल में जब हम लोग बैठते हैं तो वो मूव करता है तो उस समय हम लोगों को कुछ पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि उसपे आइस पे, पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है नेक्स्ट है डू नॉट रीड बाय लाइंग डाउन सोते सोते हमें नहीं पढ़ना चाहिए डू नॉट वॉच टीवी और प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर फॉर लॉन्ग पीरियड्स हमें ज्यादा ज्यादा देर तक ना कंप्यूटर देखना चाहिए ना ही गेम खेलना चाहिए और ना टीवी देखना चाहिए उससे हमारे आंखों पर स्ट्रेस होता है नेक्स्ट है द ईयर्स सेकेंड सेंस ऑर्गन है ईयर्स

कभी भी कान साफ करने के लिए कोई नुकीले चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर कान में दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए थर्ड सेंस ऑर्गन है द नोज आवर नोज हेल्प अस टू ब्रीद एंड स्मेल थिंग्स नोज के वजह से हम सांस ले पाते हैं और चीजों को सूंघ पाते हैं तो इसका फंक्शन है टू ब्रीद एंड स्मेल थिंग्स केयर ऑफ द नोज

आवर टंग टू स्पीक टू टेस्ट डिफरेंट टेस्ट लाइक स्वीट सॉल्टी सार एंड बिटर आवर हमारा जो टंग है जीव है उसके वजह से हम बोल पाते हैं और चीजों को टेस्ट कर पाते हैं कुछ भी चीज जैसे कोई स्वीट है सॉल्टी है सार है बिटर है ये सब टेस्ट हम लोग टंग की मदद से कर पाते हैं टंग में चार मेन टेस्ट बर्ड होते हैं वही स्वीट सॉल्टी सार एंड बिटर और आखिरी सेंस ऑर्गेन है द स्किन द स्किन फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आवर बॉडी विच प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गेन्स स्किन जो है वो ज्यादातर आउटर मोस्ट कवरिंग का काम करता है जो हमारे इंटरनल ऑर्गेन्स को प्रोटेक्ट करता है तो स्किन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंस ऑर्गेन का आइस की तरह केयर ऑफ द स्किन अब हम लोग स्किन को हमेशा केयर कैसे कर सकते हैं Take a bath regularly dry yourself through thoroughly after bathing and wear clean and comfortable clothes. स्क्रेच और ट्रीटेड विध एन एंटीसेप्टिक लोशन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन रोज एक बात लेना चाहिए उसके बाद ड्राई होके सा और कंफर्टेबल क्लोथ पहनना चाहिए अगर कभी स्किन में और कट आ जाए तो उसका इलाज हमें एंटीसेप्टिक लोशन से करना चाहिए जिसके वजह से हमारे स्किन पे इंसफेक्शन नहीं होगा recall, तो हम लोगो ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा ब्रेन स्पाइनल आर दार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम देंस ऑर्गन आर द आईज द इोज दंग एंड द स्किन तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स नर्वस सिस्टम के मेन पार्ट्स होते हैं हमारे पांच सेंस ऑर्गन होते हैं आईज इयर्स नोज टंग और स्किन टर्म्स टू रिमेम्बर इस चैप्टर में कौन कौन से टर्म्स से जो हमेशा याद रखना चाहिए फर्स्ट स्पाइनल कॉर्ड लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम द बेस ऑफ़ द ब्रेन डाउन टू बैकबोन. सेकेंड रिफ्लेक्स एक्शन ऑटोमेटिक एक्शंस दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड तो ये दो टर्म्स ऐसे हैं जिसे हमेशा याद रखना चाहिए और वो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर आवर नर्वस सिस्टम फुल्ली इफ यू वॉन्ट द एक्सप्लेनेशन एंडब अवर चैनल अगर आप इसी तरह अगले चैप्टर का भी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमारे को कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले जिससे हमारी अगली वीडियो या फिर कहीं की अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर थैंक यू सब्सक्राइब प्लीज